नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के नए शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में नाबीना अफराद का एहतजाज। स्कर्दू में चार महीने से बिजली गायब, अंधेरे में डूबे इलाकों से आवाम का दिखा शदीद रद्दो अमल। और जम्मू कश्मीर में मस्नूई जहानत के इस्तेमाल से काश्तकारी शोबे को मिलेगा फायदा। नाबीना शख्स दुनिया भले ही नहीं देख सकता, लेकिन हुकूमत की अनदेखी और बेरुखी को वो जरूर महसूस कर सकता है। बात अगर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हो तो यहाँ के आवाम दोहरी बेरुखी का शिकार हैं। एक तरफ वो पाकिस्तान की लापरवाही और नजरअंदाजी से मुतासर हैं, तो दूसरी जानिब मकामी हुकूमत भी अपना फर्ज सही तरह से नहीं निभाती। ऐसे में जब यहाँ के आम लोग भी हुकूमत से बुरी तरह से परेशान हैं, तो नाबीना और माजूर अफराद की मुश्किलों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। जिस्मानी अज़ा गंवा चुके और बिनाई से कासिर लोगों के लिए ना ही हुकूमती सतह पर कोई मंसूबा है और ना ही माजूरों की बहबूदी के बारे में हुकूमत कभी सोचती है। ऐसे में इन लोगों में नाराजगी तो लाजमी बात है, और एक बेदारी रैली के दौरान कुछ ऐसा ही हालिया रोज देखने को मिला। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड ब्लाइंड एक्शन कमेटी ने हालिया रोज गिलगित के दनयोर इलाके में एक बेदारी रैली निकाली। बड़ी तादाद में तुलबा तालिबात इस रैली का हिस्सा बने। मुआशरे में जिस तरह माजूरों के साथ नारवां सलूक बरता जाता है, न सिर्फ हुकूमत बल्कि आम लोग भी बेचारगी भरी नजरों से देखते हैं। उसके बारे में इस रैली में तफसीली चर्चा हुई। तालिबे इल्मों ने भी इस बात का पैगाम दिया कि माजूर और नाबीना अफराद भी समाज का हिस्सा हैं और उनके मुतालबात हर हाल में पूरे किए जाने चाहिए। जैसे कि यहाँ पब्लिक सेक्टर में नाबीना और माजूर अफराद के लिए 2% का कोटा मुनक्किद है, लेकिन उस पर शायद ही कभी अमल दरामद किया जाता है। प्रोविजन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से यहाँ तहसील दनियोर में एक अवेयरनेस वॉक का इनेकाद किया गया है। इस वॉक में जहाँ हमारे विजुअल इम्पेयर्ड साथी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ मुख्तलिफ स्कूलों के तुलबा और तालिबात भी शरीक हैं, उसके अलावा फैकल्टी मेम्बरान भी शरीक हैं। इस दिन में इन अफराद को जो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके मनाने का बुनियादी मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि यही स्टूडेंट्स हमारे एम्बेसडर्स हैं, जो हम थोड़ी बहुत नेगेटिव समाजी बिहेवियर्स का आज भी मुजाहिरा देखने को हमें मिलता है। यकीनन ये हमारे एम्बेसडर्स इन फ्यूचर जो नाबीना अफराद के हवाले से या दीगर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के हवाले से माशरे में मनफी रुझान पाए जा रहे हैं, उनको खत्म करके मुस्बित रुझान को फरोग देने में। माजूर और नाबीना अफराद काफी वक्त से ये मांग कर रहे हैं कि नौकरी के अलावा इन्हें तालीम और तिब्बी शोबे से मुतालिक सहूलत फराहम कराई जाए। इसके अलावा रोजमर्रा के खर्चे के लिए हुकूमत की तरफ से वजीफा भी मुकर्रर किया जाए। इनका ये भी कहना है कि उन्हें अपने लिए पंजाब सूबे की तर्ज का सेटअप चाहिए। जैसे वहाँ पर इन्हें भरपूर मौके मिलते हैं, वैसे ही यहाँ भी मिले। गिलगित बल्तिस्तान पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2019 और यूएन कन्वेंशंस ऑन द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के मुताबिक भी इन्हें हुकूक नहीं दिए जा रहे। आज तक इन मजदूरों ने जो थोड़ा बहुत मुकाम हासिल किया भी है, वो अपने खुद की मेहनत की बदौलत, न कि हुकूमत की कोशिशों के चलते। हुकूमत की बात है तो हुकूमत की जो इकदाम है कथित तौर पे बहुत ही कम है, कलील है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर ओवरऑल माजूर अफराद और उनमें फिर ब्लाइंड पर्सन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो इन अफराद को की तादाद को मद्देनजर रखते हुए इनकी तालीम के लिए भी इकदाम किए जाने चाहिए, उसके बाद फिर समाजी बहाली और इनकी माशी बहाली के लिए इकदाम किए जाने, इन्हें रोजगार दिया जाए, इनकी अहलियत के मुताबिक रोजगार दिया जाए, और जो रोजगार हासिल करने की अहलियत नहीं रखते हैं किसी भी वजह से, तो एटलीस्ट उनको माकूल माहाना वजीफा तो दिया जाए, जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब इस वक्त खिदमत कार्ड के जरिए से जो नाबीना अफराद है और दीगर माजूर अफराद है उनको फैसिलिटेट कर रही है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की लापरवाहियों की वजह से माजूर और नाबीना अफराद की जिंदगी
अजीरन बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग अपने मुतालबात काफी वक्त से हुकूमत के आगे रख रहे थे, लेकिन इस पर कभी गौर खोज नहीं किया गया। हुकूमत की नासंजीदा कोशिशें उसे संदेह के घेरे में खड़ा करती हैं। एक और बात जो सामने आई है वो ये है कि जिन लोगों की ऊपर तक पहुंच है वो अपने अहले खाना का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर उन्हें सरकारी नौकरी दिला रहे हैं, जबकि जिनका वाजिब हक है वो मारा जा रहा है। ये लोग भले ही माजूर हैं, फिर भी उनमें हौसले की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके इन्हें शायद ही कभी मौका मिलता हो। माशरा मुझे और आपको जब मिलाया जाए तो वो माशरा बनता है, लिहाजा बेहतर है कि हम सबको जो है मिलकर काम करें और हमें आपको अपने साथ लेकर जाएं। अब वहां देखा जाता है कि और ये समझा जाता है कि ब्लाइंड और विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन जो है वो उसे बेगर समझा जाता है, उसको बेचारा कहा जाता है, मुख्तलिफ किस्म के अलकाबात से नवाजा जाता है, तो उसे सेओ और खुड़ो इस तरह के अलकाबात से नवाजा जाता है और बेचारा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो माशरे का एक बेहतरीन फर्द बनकर सामने आ सकता है, बेहतरीन फर्द बनकर उभर सकता है और तालीम के हवाले से वो अपने अपना किरदार अदा कर सकता है। एक तो कुदरत ने इनके साथ नाइंसाफी की है और दूसरी नाइंसाफी इनके साथ हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान हुकूमत तो इन्हें अपना मानती ही नहीं और इनके साथ बरसा बरस से सौतेला रवैया इख्तियार करती आई है, लेकिन मकामी हुकूमत तो इनकी अपनी है, अपने शहरियों का ख्याल रखना उसका फर्ज है, और अगर वो जिस्मानी तौर पर कमजोर या पैदाइश से ही किसी बीमारी का शिकार हैं तो फिर ये जवाबदेही और भी बढ़ जाती है, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। दरअसल यहाँ जिम्मेदारियों से सभी ने मुंह मोड़ रखा है, चाहे वो अफसरान हों या फिर हुक्मरान, हर कोई सिर्फ अपनी ऐशो इशरत में मशगूल है, इसीलिए माजूरों की मुश्किलें किसी को नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में आवाम की बदहाली देखने के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की। दुनिया भर में आ रही साइंसी तरक्की का असर हमारी जिंदगी के तमाम शोबों में साफ देखा जा सकता है। जो काम कुछ बरस पहले सिर्फ इंसानी सोच या ख्वाब तक तस्वुर किया जाता था वो आज की हकीकत बन चुका है। मसलन आज बड़े से बड़ा काम इंटरनेट की जदीद तरीन सहूलियात की मदद से चुटकियों में पूरा किया जा रहा है। सन्नत और खिदमात के शोबे के साथ साथ शोबाए ज़िरात में भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। काश्तकारी शोबे को बढ़ावा देने के लिए आए रोज वर्कशॉप्स, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और दिगर आगाही प्रोग्राम मुनक्किद होते रहते हैं। इसी सम्त में हालिया रोज जिला गांदरबल में 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इसका मुद्दा और मकसद एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में मस्नूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए शोबे की तरक्की के तमाम इम्कानात पर गौर खोज करना था। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। ये है जिला गांदरबल में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का शुहामा कैंपस। यहाँ पर फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से 3 रोजा एग्रीटेक इंटेलिजेंस एंड बियॉन्ड कटिंग एज इनोवेशंस इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज नामी कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया। इसमें माहिरीन ने जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से कैसे शोबाए ज़ेरात और उससे वाबस्ता लोगों को फायदा पहुँचाया जा सकता है, इन्हीं सब कई अहम तरीन मौजूदात पर गौर व खोज किया। ये यहाँ पे बड़ा इवेंट हो रहा है तो हमारे लिए भी एज आउटसाइडर्स बिकॉज वी आर रेज्ड हियर बट वी आर आउटसाइड कंट्री सो वी कैन एक्सचेंज आइडियाज टेक्नोलॉजीज वी कैन ट्रेन फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स हु स्टडी हियर वी कैन ट्रेन देम अब्रॉड इन आवर यूनिवर्सिटीज सो इट्स अ गुड इवेंट हमारे लिए भी। यहाँ आ जाओ, लोगों से मिलो, यहाँ पे फॉर्म कोलैबोरेशंस, यहाँ के फार्मर्स के लिए भी बड़ा अच्छा इवेंट है। कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टेज से माहिरीन ने अपनी राय जेरे शिरकत लोगों के साथ तबादला ख्याल की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि काश्तकारी से मुतालिक रिसर्च
सिर्फ लैब तक ही महदूद नहीं रहने चाहिए, इसे बाहर फील्ड ले जाना चाहिए। शोबाए काश्तकारी को मजीद मुनाफा बख्श बनाने में काश्तकारों का ही किरदार काफी नहीं है, बल्कि इसमें मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप की सलाहियत रखने वाले लोगों को आगे लाने पर जोर दिया गया। यही वजह रही कि इस प्रोग्राम को बैरूनी ममालिक भी मकामी काश्तकारी को बढ़ावा देने वाला इकदाम करार दे रहे हैं। I think first of all this conference is a good platform that this course has created, not only for academics and students but also for entrepreneurs. So I saw that many entrepreneurs have come here and they were engaging really good with academics and students, and this is a really good trend. We should not only do research at laboratories, we should promote them, and we should encourage entrepreneurs about their work in building the nation. So yeah, this is a really good platform. जम्मू कश्मीर में अवाम की पायदार तरक्की के मकासद को पूरा करने के लिए इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है कि माहौलियाती तवाज़ुन को कायम रखने के लिए कम से कम या फिर न के बराबर इंसानी दखल अंदाजी हो। इस कड़ी में यहाँ पर बहसो मुबाहिसे के इस प्रोग्राम में काश्तकारी के ऐसे इम्कानात पर ज्यादा जोर दिया गया जो हमारी खुर्दनी अशिया से मुतालिक बढ़ती जरूरतों को पूरा कर सकें और माहौलियाती तवाज़ुन पर कम से कम असर पड़े। बहुत जरूरी है कि सारे इंस्टीट्यूशंस को, सारे अदारों को हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट्स की तरफ जाना है उनको एम्ब्रेस करना होगा, और जो हमारी नई जनरेशन है, यंग स्टूडेंट्स जो हैं, तो हमने उनकी सोच को बदलना होगा कि अगर हमने आगे बढ़ना है और 2047 जब हम 100th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस मनाएंगे, सेंटेनरी सेलिब्रेशन मनाएंगे, तब देश का एक बहुत बड़ा ख्वाब है कि दैट वी विश दिस नेशन टू बी अ डेवलप्ड नेशन, एक विकसित भारत। तो जो यंग जनरेशन है यही उस 2047 में होंगे और उन्हीं यही उसके जो है ना नए भारत को देखेंगे, नए जम्मू कश्मीर को देखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमने इन टेक्नोलॉजीज के साथ जाना है और हमारे जितने भी इश्यूज हैं, मसाइल हैं, उनका हल इन्हीं टेक्नोलॉजीज में है। कुदरत ने जम्मू कश्मीर को अपनी बेपनाह नेमतों से नवाजा है, जिसकी वजह से मकामी काश्तकार न सिर्फ ज़रई पैदावार से रोजी रोजगार चला रहे हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर का नाम मुल्क और बैरूनी ममालिक के बाजारों में बड़े एक्सपोर्टर स्टेट के तौर पर शामिल होता जा रहा है। ऐसे में इस तरह के प्रोग्राम से शोबाए काश्तकारी को आइंदा वक्त में और भी ज्यादा बढ़ावा मिलना तय माना जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गुज़िश्ता महीनों के दौरान रैबीज के मामलों में अलार्मिंग बढ़ोतरी रूनुमा हो रही है। इसमें कई नए मामले आए हैं और इससे कई मौतें भी हो चुकी हैं। ह्यूमंस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में ट्रॉफी हंटिंग की वजह से चरिंदों परिंद की जिंदगी पर खतरा बन गया है। हालांकि इससे कुछ चंद लोगों का रोजगार भले चल रहा है, लेकिन पूरे माहौलियात पर एक बड़े पैमाने का खतरा लाहक हो चुका है। तारिक कलमी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के तालीमी शोबे में एक बड़ी जद्दोजहद जारी है। यहाँ पर बेंच और कुर्सियाँ न होने की वजह से लड़कियाँ जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। इंफॉर्मेशन एंड पीआर शोपियां ने एक्स पर पोस्ट किया है कि डीआईईटी शोपियां की जानिब से गाइडेंस और करियर काउंसलिंग को लेकर एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद करवाया गया। इसमें 100 से ज्यादा तालिबे इल्मों ने शिरकत की। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर की कुदरती खूबसूरती को गले से लगाइए, जो हर सुबह पहाड़ों और वादियों को कुदरत के रंगों में सराबोर कर देती है, जो आपको इस जन्नत में बिताए लम्हों की याद दिलाता है। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि झीले डल में निकाह की रसूमात हो रही है। कश्मीर एक वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है, जहां मकामी ही नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक से सैयाह अपनी वेडिंग इवेंट्स को मना रहे हैं।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नशर होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने कहा है कि मसले कश्मीर को हल किए बगैर खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम और माशी तरक्की का ख्वाब हरगिज शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। दहशत गर्दी की आग से पूरी दुनिया को जला देने की ख्वाहिश रखने वाला पाकिस्तान और उसका बड़बोला चैनल PTV आखिर कब अपनी दखल अंदाजी करने वाली बुरी आदत से बाज आएगा। एक सोची समझे हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान का PTV चैनल अपने हामी अलगाववादी हुर्रियत लीडरान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता आया है। PTV चैनल अपनी नशरियात खबरों को झूठे और मनगढ़ंत तरीके से दिखाता रहा है, जबकि इनके सच्चाई से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है। अब इसे क्या कहा जाए कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की लापरवाही है या फिर महकमाए बरकियात के अफसरों की नाअहली, जिसकी वजह से शहर हो या फिर देही इलाके, यहां बसे इलाका मकीनों को बिजली के मस्नूई बहरान का सामना करना पड़ रहा है। मसनदे इक्तेदार में बैठी हुकूमत के खिलाफ मकामी लोगों को बार बार एहतजाजी मुजाहरा के जरिए शदीद रद्दो अमल जाहिर करने के बावजूद भी इन्हें दरपेश लोड शेडिंग की दिक्कत से निजात नहीं मिल पा रही है। इसके बरक्स बिजली की तवील मुद्दती कटौतियों से परेशान लोगों को महंगे महंगे और भारी भरकम बिल भेजे जा रहे हैं। इसके चलते लोग बार बार एहतजाज करने पर मजबूर हैं, जैसे कि जिला स्कर्दू में होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहां पर लोग एहतजाज के जरिए हुकूमत और बरकियात महकमे से बिजली की मुसलसल सप्लाई का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। मौजूदा वक्त के इस जदीद तरीन दौर में बिजली के बगैर इंसानी तरक्की का क्या तसव्वुर किया जा सकता है, लेकिन जब बात पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हो तो क्या शहर और क्या देही इलाके सब कुछ हुकूमत और महकमाए बरकियात की जानिब से बिजली की कटौतियों या फिर यूं कहें कि मसनूई बहरान से दोचार हैं। इसकी तस्दीक जिला स्कर्दू के कुशमरा गोल्ड नामी देही इलाके से हो जाती है। यहां पर महकमाए बरकियात की जानिब से महीनों महीनों तक बिजली की सप्लाई नहीं दी जा रही है। इस नाइंसाफी के खिलाफ अब आवाम एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बिजली के बारे में मसला है क्योंकि 4 महीने से यहाँ शक्खन गुंड में बिजली नहीं है, तो हमें इतना फुतू कना कर रहे हैं गवर्नमेंट अच्छा, लेकिन हमारे पास बिजली नहीं है। ये ट्रांसफार्मर जो लाते हैं, एक ऐसा छोटा सा ट्रांसफार्मर है, वो गवर्नमेंट खुद को जरूरत है, वो वापस ले जाए, लाइने भी ले जाए, हमें जरूरत नहीं है। बिजली की अदम दस्तियाबी से सबसे ज्यादा तालिबे इल्मों की पढ़ाई लिखाई का नुकसान हो रहा था और ऐसा गुज़िश्ता 4 महीने से जारी है। इसीलिए इस अवामी एहतजाज में मकामी तालिबात भी शामिल हुई। काबिले जिक्र है कि स्कर्दू के दूर दराज इलाके से आए इलाका मकीनों का कहना है कि इनका पूरा पूरा दिन बिजली के इंतजार में कट जाता है। रात के सियाह अंधेरे में ये लोग बिजली की गैर मौजूदगी में मोमबत्ती और दीगर तरीक़ेकार के जरिए किसी तरह अपना काम चलाते रहे हैं और महकमे के अहलकार अवाम को गुमराह करने के लिए बिजली के ट्रांसफार्मर को इधर से उधर लाते ले जाते हैं। इन्हीं सब वजूहात के चलते लोग अब चक्का जाम हड़ताल पर आ चुके हैं। इस्तेजाज नहीं करके क्या करेगा, 4 महीने से भी ऊपर गया है, कोई बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, खाने के लिए प्लेट भी नजर नहीं आते, प्याला भी नजर नहीं आते, बाल बच्चों को लिखने के लिए मोमबत्ती जला के लिखाते, क्या करेगा, इस्तेजाज नहीं करके क्या करेगा, 4 महीना हो गया है, 4 महीना। अभी महकमा का महकमा क्या कहता है, महकमा खुद करते है, वही लाते उसी को सुबह लाते शाम को चले जाते, शाम को लाते सुबह चले जाते, बिजली क्यों आ गया वो ट्रांसफार्मर चले जाते उसी को लाते है बस। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मौसम चाहे जैसा भी हो, बिजली तो हर हाल में
लापता ही रहती है, चाहे बात मौसम गर्मा की हो या फिर मौसम सरमा की। शहर हो या देही इलाके, आवाम को बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात के लिए तरसा दिया जाता है। यहाँ पर बिजली की सप्लाई सिर्फ सरकारी और रसोखदार रिहायशी इलाकों को ही दी जाती है, जबकि गयूर आवाम को बिजली की बजाय उन्हें महंगे महंगे बिलों को थमा दिया जाता है। एक्शन साहब के पास आ गया था सर, यहाँ पे मतलब तीन दफा एक्शन साहब ने दे दिया, मतलब ऐसा 200 केवी का मतलब आरी और आवश्यक नहीं दे रहे। कल आकर मतलब अच्छा उसको बना कर लाया, कहा मतलब शाम को किया उन्हीं के सामने। हमें 4 महीने से अंधेरे में रखा हुआ है, हमें अच्छा जो ही मतलब बिल आएगा 500,000 बिजली आए ना आए, इनका टक हमारे बच्चे मतलब अच्छा अंधेरे में मतलब रह कर मतलब हमें पढ़ाई का भी दुश्वारी हो रहा है। सालहा साल से बिजली के फुकदान से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग सफारा होते रहे हैं। घर, स्कूल, कॉलेज, दुकान, कारोबार, अस्पताल और कई दीगर अहम जगहों में लोग बिजली के बगैर काम करने पर मजबूर हैं, या फिर ये कहें कि इन्हें ऐसे ही गुजर बसर करने पर मजबूर किया जाता है। इसीलिए अब इनके एहतजाजी मुजाहिरों में न सिर्फ शिद्दत देखने को मिल रही है, बल्कि अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए ये लोग ज्यादा से ज्यादा मर्तबा एहतजाज कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर कब तक इनके मुतालबात पूरे होंगे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत अगर चाहे तो आवाम की मुश्किलों को झट से हल कर दे, लेकिन यहां दिगर मसाइल की तरह बिजली के मस्नूई बुहरान के जरिए लोगों को जानबूझकर परेशान किया जाता रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को बिजली की फराहमी के लिए जद्दोजहद करते हुए देखने के बाद बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मार्शल आर्ट के अलग अलग फॉर्म्स को तवील वक्त से खेला जाता रहा है, जिससे बेजोड़ रिवायत, खेल तकनीक और सकाफती अहमियत बयान होती है। इनमें कलारी पयट्टू, सिलंबम, थांगता, मल्लखंब और गतका शामिल है। गतका जिसके साथ पंजाब की जाबाजी और बहादुरी की तारीख जुड़ी हुई है, वो अब जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी निहायत ही जोशो खरोश के साथ खेला भी जा रहा है। मकामी नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा इस तारीखी खेल की रिवायत से जोड़ने के लिहाज से जिला पुंछ में गतके का ट्रायल कंपटीशन मुनक्कित करवाया गया, जो खेल मुकाबले में जेरे शिरकत खिलाड़ियों को नेशनल लेवल तक आगे ले जाने वाला प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों की मार्शल आर्ट के मुख्तलिफ फॉर्म्स के तई दीवानगी कोई नई बात नहीं है। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, पैनचक, सिलाट मार्शल आर्ट्स की मुख्तलिफ तरतीबें हैं। मार्शल आर्ट्स की इन जदीद तरीन फॉर्म्स के साथ ही यहाँ पर पंजाब का मशहूर गतका भी दिन ब दिन मकबूलियत हासिल करता जा रहा है। भारत के 10 रिवायती मार्शल आर्ट्स में टॉप 5 में मकाम हासिल करने वाले गतका को जम्मू कश्मीर में मजीद बढ़ावा देने के लिए आए रोज खेल मुकाबले मुनक्कित करवाए जाते रहे हैं। इस सिमत में जिला पुंछ के डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल के मुश्तरका ताउन से ट्रायल कंपटीशन का अहतमाम किया गया। ये पहली बार डिस्ट्रिक्ट पुंछ में इस कंपटीशन को करवाया जा रहा है, तो इसमें तकरीबन आज मैं देख रहा हूँ कि हालांकि पहली बार है फिर भी बड़ा उत्साह है बच्चों में। तकरीबन 20 से 25 बच्चे यहाँ पे इसमें आज इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए आए हैं, तो ये एक ट्रायल रहेगा इन बच्चों के लिए। यहाँ से जो बच्चे आउटस्टैंडिंग रहेंगे वो डिस्ट्रिक्ट की टीम में सेलेक्ट होंगे, उन्हें डिवीजन लेवल पर खेलने का मौका यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद अगर डिवीजन लेवल पर इनकी अच्छी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही तो उन्हें स्टेट को रिप्रेजेंट, इस यूटी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा प्रयास है कोशिश डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के, जो हिडन टैलेंट है बच्चों का उन्हें बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है और नेशनल स्कूल्स गेम में इसको इंप्लीमेंट किया गया, बहुत बड़ी बात। गतका के बेशतर मुकाबलों में खिलाड़ी ज्यादातर तलवार, कृपाण और जंग में काम आने वाले दूसरे रिवायती हथियारों के साथ अपने जौहर का मुजाहिरा करते हैं। इसमें खिलाड़ी आपसी कंपटीशन के साथ साथ सिंगल परफॉर्मेंस देते हैं।
खेल मुकाबले में जहां एक तरफ नौजवानों ने मर्दों के मुकाबले में तलवार को बिजली की तरह चलाकर सबको हैरत में डाल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ लकड़ी की तलवारों और कपड़े से बनी ढाल के साथ मुकाबला करती खवातीन की चुस्ती फुर्ती काबिले तारीफ रही। यहाँ पे पार्टिसिपेट कराएंगे बच्चों को, जो सिलेक्शन होगी जो बच्चे जीतेंगे उनको आगे लेके जाएंगे और इसका बहुत फायदा है। यहाँ पे सारे बच्चों को खिलाएंगे, खिला के जो जीतेगा उसको आगे जम्मू में खिलाएंगे। स्कूल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स को जो आज ट्रायल चल रहा है, तो यहाँ पे काफी बच्चे पार्टिसिपेट करने हैं, काफी स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड बच्चों का काफी यहाँ पे योगदान दिख रहा है कि बच्चे काफी इंटरेस्टेड हैं गेम में एंड बच्चों को अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिला। बच्चे जो हैं, मतलब आज गतका है एक नेशनल लेवल पे पहुंच चुका है, जो गतके का एक काफी अच्छा लेवल मिल चुका है, तो बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिख रहा है। जो हमारा पुरातन गेम है ये जो गतका, आज एक नेशनल लेवल पे पहुंच चुकी है, तो हमें भी इस चीज़ की बहुत खुशी है। और पुंछ स्पोर्ट्स काउंसिल एंड जो यहाँ के मैनेजमेंट है, जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं, उनका काफी धन्यवाद कि उन्होंने ग्राउंड वर्क पे रह के हमें सारा कुछ प्रोवाइड किया एंड मतलब बच्चों के लिए एक प्रॉपर तरीके से उन्होंने एक ट्रायल कंडक्ट किए हैं। आमतौर पर नगर कीर्तन के दौरान होने वाली गतके की खेल सरगर्मियों को अब एक पेशेवराना खेल की तरह बढ़ावा देने के लिहाज से इसके अलग अलग सतह के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। मसलन इस कंपटीशन में मुंतखब खिलाड़ियों को जोनल, इंटरजोनल, यूटी और नेशनल लेवल तक के मुकाबलों में अपना खेल जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। गतका सिख मार्शल आर्ट है और इसमें हमारे बच्चे पहले भी नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया एंड प्लस नेशनल्स खेल चुके हैं, ब्रॉन्ज मेडल्स लिए हुए हैं इन्होंने। काफ़ी अच्छे बच्चे, हमारी इम्प्रूवमेंट है उसमें और अभी आने वाले दिनों में बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी ये गतके की और एक्टिविटीज़ होंगी ये इंटर स्कूल्स की, जो कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि खेला जाएगा इसमें। बाकी आने वाले टाइम में ये डिस्ट्रिक्ट होगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट होगा, डिवीजन टाइप होगा, स्टेट टाइप होगा। जम्मू कश्मीर में पेशेवराना खेलों के बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नतीजा है कि यहाँ पर जदीद तरीन खेलों के साथ तारीखी खेल सरगर्मियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी तस्दीक पुंछ में मुनक्किद होने वाले इस खेल मुकाबले से की जा सकती है, जिसमें तादाद के एतबार से काफी कम खिलाड़ी शामिल हुए थे, लेकिन मुस्तकबिल में नौजवानों के बीच मकबूलियत हासिल करने में इसकी अहमियत काफी ज्यादा थी। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर।